welcome back to my channel. This is your Sejal and I hope friends y'all are good. Friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ lip balms के option कि आप जो winter season में हमारे lips जो है बहुत ज़्यादा crack होने start हो जाते हैं या बहुत dry उनमें roughness आ जाता है तो वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए मैं कुछ options लेकर आई हूँ और अगर swear वाला problem है तो आपको कौन सा use करना चाहिए and pink glow के लिए कौन सा use करना चाहिए वो भी मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ में. कुछ simple से है मेरे पास. First of all ये है एक या लुबोलिया कंपनी का है, ये आप देख सकते हैं लुबोलिया. ये आई डोंट नो आपके वहाँ भी मिलेगा कैसे क्योंकि मैं इसके बारे में कंपनी के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ. 10 ग्राम है एंड इसका जो फ्लेवर है ये मैंने लिया था ग्रेप्स वाला, ब्लैक ग्रेप्स वाला फ्लेवर था. ये बहुत अच्छा है. ये मैं आपको बता दूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी में होता है और इस तरह की कंसिस्टेंसी बहुत सारे आते हैं. सी आई होप मैं आपको दिखा पाऊँ बिकॉज ये जो होते हैं इस तरह ट्यूब बेस्ड होते हैं ये. या आप देख पा रहे हैं ये इतनी थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं ये लिप बाम्स कि ये बहुत अच्छे रहते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैक हो रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं सुबह तक आपके नॉर्मल हो रहे हैं तो इस तरह के थिक कंसिस्टेंसी के आप यूज़ कर सकते हैं. इसमें और ऑप्शंस में आपको बता दूँ तो वी जोन का एक आता है बहुत अच्छा, पतंजलि के बहुत अच्छे हैं इस तरह के ट्यूब्स में, आप वो परचेज कर सकते हैं. ओके, दूसरा ऑप्शन जो है मेरे पास वो है ये आयुर का. आयुर का ये बिल्कुल नया उन्होंने निकाला है रोज़ा लिप बाम, ठीक है, ये बहुत अच्छा है. जो ये वाला था फ्रेंड्स इसी कॉस्ट थी 30 रुपीज़ एंड ये जो है ये देखिए ये इस तरह के फ्लेवर में है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है जो बहुत अच्छा है इसका, काफ़ी अच्छा है और आयुर कंपनी है तो आयुर तो सब जानते हैं और ये स्ट्रॉबेरी लिप बाम है. ये बिल्कुल लाइट है एंड इसके जो प्राइस है वो जस्ट 10 रुपीज़. 10 रुपीज़ में आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल रही है, बहुत हैप्पी हूँ मैं इससे. एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके ज़्यादा स्वीयर वाले फटे हुए लिप्स देन आप ये मत लगाएगा क्योंकि उसको फिर ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि काफ़ी लाइट टाइम है. उसके बाद ये जो है लिप बाम ये मैंने घर पर खुद ही बनाया हुआ है. ये मैं आपको बताती हूँ मैं कब यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है. इसे मैं कब यूज़ करती हूँ, ऐसे मेकअप करने से पहले हमें कोई लिप बाम लगाना होता है तो मैं ये लिप बाम लगाती हूँ जो कि मेरे लिप्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट कर देता है. ये कैसे बनाना है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. इसी तरह की अगर आपके पास भी कोई लाइट लिप बाम है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद ये है बेबी लिप्स. फ्रेंड्स ये रियल बेबी लिप्स नहीं है, ये बेबी लिप्स का ड्यूप है. ये मुझे कहीं किसी फेयर में मैं गई थी, मुझे वहाँ पर मिला था ये, तो ये बहुत अच्छा है. ये वैसे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी इससे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा. एंड ये जो है ना मैं आपको भी कैसे दिखाऊँ, आई होप आपको दिख जाए. आप देख पा रहे हैं ये देखिए, ये जो है मैंने इतना सा लगाया और ये इतना डार्क और ये धीरे धीरे और डार्क होता जाएगा ये पिंक कलर. ये मैं आपको प्रेफर करूँगी जैसे आप नाइट रूटीन करते हैं ना अपना CTM और नाइट में जब हम कोई ना कोई लिप बाम अपने लिप्स के ऊपर लगाकर सोते हैं तो आप अगर अपने लिप्स को पिंक करना चाहते हैं, अगर आपके थोड़े ब्लैकनेस पे हैं और आप पिंक करना चाहते हैं तो इस तरह के आप लगा के सोइए ताकि वो डेफिनेटली जब तक आप सुबह उठेंगे तो बहुत अच्छे से पिंक हुए पड़े होंगे आपके लिप्स, ऐसे लगेगा आपने लिपस्टिक लगाई हुई है. और ये बहुत अच्छा है लिप बाम, आई लाइक इट. विंटर सीजन में अगर आपको लिपस्टिक नहीं लगानी और आप नॉर्मली कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आप बेबी लिप्स का या फिर इस तरह के ड्यूप आते हैं जो गंदी क्वालिटी ना हो ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो आपको लिप्स को हार्म ना पहुंचाए, लेकिन जो इस तरह के डार्क शेड्स में आते हैं वो डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. उसके बाद जो हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं, यस, बोरो प्लस. फ्रेंड्स ये जो है बहुत अच्छा है और अगर आपके लिप्स जो कभी कभी क्या होता है कि इनके ब्लड जैसा प्रॉब्लम हो जाता है कि इतने ज़्यादा वो क्रैक्स हो जाते हैं, उनमें इतना ज़्यादा क्रैक आ जाता है कि वो ब्लड भी निकलने लग जाता है, तो अगर आप और कुछ नहीं यूज़ करना चाहते तो बोरो प्लस तो बहुत अच्छा है. अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं देन आप एक थिक लेयर जो है बोरो प्लस की लगाइए एंड देन बहुत अच्छे से आपके जो लिप्स हैं मॉइस्ट हो जाएंगे. उसके बाद मोस्ट फेवरेट जो सबका है ये है पेट्रोलियम जेली और इसके भी हाथ पे तो हम बहुत सारे DIYs भी बनाते हैं. पेट्रोलियम जेली भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है आपके लिप्स के लिए, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेटर रिजल्ट आता है इसका भी, ये तो हम सब जानते हैं. और इसकी आप जितनी मर्जी बड़ी क्वान्टिटी ले लीजिए, जितनी मर्जी छोटी 5 रुपीज़ की भी आती है ऐसी क्वान्टिटी, बहुत अच्छा है. तो इसके ऊपर मैं आपके बस में आपको इसका एक बताऊँगी ज़रूर कि आप जो है इसे कैसे बनाएं घर पर, मैं जल्दी इसकी वीडियो पर अपलोड कर दूँगी और ये बहुत अच्छा है और आपको इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. चलिए फ्रेंड्स ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था, मैंने आपके साथ शेयर किया. और अगर आपको स्वीयर वाला प्रॉब्लम है लिप्स क्रैक का तो आप कौन से यूज़ करना है, अच्छे अगर पिंक लिप्स करने हैं तो आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको सब बता दिया है. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर जरूर करूँगी. और अगर आपका कोई भी रिक्वेस्ट हो तो भी आप मुझे बता दीजिएगा फ्रेंड्स. अगर आपने कोई भी
किसी भी प्रोडक्ट का आप स्पेशल मुझसे जानना चाहते हैं, रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसका रिव्यू करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उसके साथ में एक बेल आइकन है वो जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाले सभी वीडियोज के लिए मेरे नोटिफाइड रहे। और अगर आज का आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय फ्रेंड्स।